So the Pythagoras theorem states that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. ठीक, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है. ठीक ना, जो भी एंगल बनेगा, जो हम एंगल थीटा लेंगे, उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा. ठीक, हाइपोटेनियस के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, चाहे एंगल हम कहीं भी रखें, और उसके साथ जो 90 डिग्री बना रहा है वो बेस होगा. और स्लैंट जो है, स्लैंट मींस जैसे फिसल पट्टी होती है वैसे उसको स्लैंट बोलते हैं. जो स्लैंट वाली साइड होगी उसको हमेशा हम हाइपोटेनियस बोलेंगे. डन. हाइपोटेन्यूस दोनों में सेम होता है, परपेंडिकुलर और बेस इस पे डिपेंड करता है कि एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर. डन. यस सर. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक ना, अब यही जो हमने हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर निकाला था, इसी को अगर हम डिवाइड करें तो हमको रेशियो मिलता है. तीन चीजें हैं तो तीन रेशियो मिलेगा. एक का नाम हमने दे दिया साइन थीटा, एक का नाम दे दिया कॉस थीटा, एक का नाम दे दिया टेन थीटा. ठीक ना, इन्हीं रेशियो को अगर नाम दे दें तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. उसका नाम है साइन, कॉस और टेन, और वो तीनों का ऑपोजिट भी होता है, तो टोटल हो जाते हैं छः. तो साइन का ऑपोजिट हो जाता है कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट हो जाता है सेक, और टेन का ऑपोजिट हो जाता है कॉट. ठीक, इस चीज को भी लिखो.
ये सारा रिलेशन लिखो, नीचे का जितना रिलेशन है सब लिखो। नेक्स्ट जो है वो है साइन थीटा का मतलब क्या होता है। अगर साइन थीटा है दैट मीन्स वो साइन इंटू थीटा नहीं है, वो साइन थीटा ही है। ये जो है साइन थीटा, ये अपने आप में एक फंक्शन है, इसको हम साइन इंटू थीटा नहीं बोलेंगे, ठीक ना। इसको हम साइन ऑफ एंगल थीटा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि साइन इंटू थीटा है। साइन इंटू थीटा मतलब दोनों अलग अलग। और देखो यहां हमारे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक ना, एक साथ है। उसी तरीके से अगर साइन ऑफ मैं ए प्लस बी बोल रहा हूं तो वो दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक ना, वो एक ही में है साइन ऑफ ए प्लस बी। और सेम उसी तरीके से अगर हम इनवर्स का देखें तो साइन इनवर्स ए जो है उसका ये मतलब नहीं है कि साइन इनवर्स अलग से और ए वहीं रहेगा, नहीं, पूरा का पूरा साइन ही नीचे आएगा। तो इस चीज को भी लिख लो और जैसा लिखा है वैसे ही लिख लो फॉर्मूले कॉपी में, तो क्लियर रहेगा। हो गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में होती है, ठीक ना। साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में होती है, ये आप वीडियो लेक्चर्स में देखना, जब पढ़ाए होंगे तो उसमें समझाए होंगे कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन है ये, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो बाकी के पांच निकाल। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें कोई भी एक रेशियो पता चल जाए तो हम बाकी सब भी पता लगा सकते हैं।
हमने तुरंत पाइथागोरस लगाया क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमको चाहिए बेस। अब हमको बेस चाहिए तो हम तुरंत पाइथागोरस लगा देंगे, उससे हमको बेस मिलेगा। अब इस चीज का ध्यान देना कि हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने बोला था कि किसी का भी अगर स्क्वायर रूट लें तो प्लस और माइनस दोनों आता है, लेकिन हम माइनस वाले को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि साइड जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ट्रांसफर वाला नहीं करते हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? इसके बाद हमको मिला बेस रूट सेवन। अब तीनों पता है हमको, हाइपोटेन्यूस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो पूरे छह वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो हो गया क्वेश्चन, ठीक ना? तो देखो अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं कि पहले एस निकालो, बी और पी निकालो, ये सारे रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, फिर जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछेगा वो निकाल देंगे, ठीक ना? तो आप पैटर्न समझो, क्रोनोलॉजी समझो, आप डायग्राम मत बना देना वो सब जो हिंदी में लिखा है वो समझने के लिए है, उसको मत लिखना, एग्जाम में मत लिख देना उसको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही है। पहले सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, फिर जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो वो निकाल लो, ठीक ना? उसके बाद अगर उसमें साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ भी पूछा हो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओक्यू माइनस पीक्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये क्वेश्चन तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसका कॉन्सेप्ट देखो, जब अजीब सा क्वेश्चन हो और कुछ भी समझ में ना आए तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो।
डन ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन गिवन ओपी दैट इज परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर क्योंकि उसने बोला है कि क्यू पे एंगल है ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर तो वहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे 1 प्लस पी क्यू ठीक ना जो कि दिया हुआ है अब हमको फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा कुछ समझ में नहीं आ रहा तुरंत हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया ठीक तो वैल्यूज देखो लिखते जाओ हमने इक्वेशन वन बनाया था जो गिवन रिलेशन था OQ माइनस PQ से OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ आ गई उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो वहां हमको PQ के टर्म्स में पूरा रिलेशन मिला और जिससे PQ की वैल्यू भी निकल गई जैसे ही PQ की वैल्यू निकली हम उसको इक्वेशन वन में रख दिए अब यहाँ डाउट ये आ रहा है कि OQ को 1 प्लस PQ क्यों लिखे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ दिया ही नहीं था हम कैसे निकाले वैल्यू हमको तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस चाहिए ना इसीलिए हमने OQ को जो कि हाइपोटेनियस है उसका हमने वैल्यू रखा 1 प्लस PQ और PQ की वैल्यू तो PQ रखेंगे ही और एक गिवन वैल्यू है तो पूरा का पूरा रिलेशन PQ के टर्म्स में आएगा इसीलिए हमने ऐसा किया Yes, इसमें आप PQ की भी वैल्यू रख सकते हो लेकिन OQ के टर्म्स में फिर रिलेशन आएगा ठीक ना वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है PQ is equals to OQ minus 1 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और पूरा रिलेशन OQ के टर्म्स में है तो वहां जो वैल्यू मिलेगी वो OQ की मिलेगी डायरेक्ट 25 उससे PQ निकाल लो तो वैल्यूज तो सेम आएंगे तो ऐसे सिचुएशन में पाइथागोरस में जब कुछ समझ में आए तुरंत पाइथागोरस लगा दो सब क्लियर हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में पाइथागोरस ऑटोमेटिक आगे आ जाते हैं डन नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू
So let's see the solution. See in the board also. The solution is given. Let ABC and PQR be the two triangles. तो वहां से हम साइन बी और साइन क्यू निकालेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू रखेंगे. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हो गया. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फर्स्ट ट्रायंगल चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सेकंड ट्रायंगल. अब हमने क्या किया, दोनों परपेंडिकुलर को, क्योंकि दो रेशियो में हो जाता है शिफ्टिंग जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर कर दिया और हाइपोटेनियस के नीचे हाइपोटेनियस कर दिया, ठीक ना. तो अगर हमको दो ट्राइंगल इक्वल दिखाना है तो तीसरा अगर दिख जाए कि बेस के नीचे बेस, जैसे परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस के नीचे हाइपोटेनियस, वैसे बेस के नीचे बेस दिख जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. अब पहले रिलेशन से हमने क्या देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पहले ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दूसरे ट्रायंगल का, दोनों की वैल्यू हमने के मान ली. अब उसी के टर्म्स में हम प्रूफ करेंगे. तो यहां तक लिखो, फिर आगे और दिखा रहा हूं. ये जो k की वैल्यू थी इसी को अब हम रखेंगे, AC is equal to KAB, PR is equal to KPQ, ऐसे हम आगे रखेंगे. तो देखो ये भी बोल रहा है कि बस कहीं से बेस का रेशियो भी इसी के जैसे हो जाए, ठीक ना, बस कहीं से बेस का रेशियो भी इसी के जैसे हो जाए. तो बेस जो हमारा है क्या क्या है, बेस देखो डायग्राम में, BC और QR, ये दो बेस है. तो उसमें हम पाइथागोरस लगा के, ठीक ना, क्योंकि कुछ समझ में ना आए तो पाइथागोरस, उसमें हम पाइथागोरस लगा के बेस की वैल्यू निकाल लेंगे BC और QR की. और उसको जब दोनों बेस को हम रेशियो में लाएंगे BC अपॉन QR तो हमको K मिल जाएगा. और K तो क्या था, सबकी वैल्यू क्या थी, तो ये प्रूव हो जाएगा. हो गया.
इसी चीज को हम कंटिन्यू में लिखेंगे कि इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में डाल के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और उससे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसका मैंने ट्रिक बनाया था। सर प्लीज एक्सप्लेन द अबव क्वेश्चन अगेन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था बस यही बोल रहा था कि बी और क्यू वन टाइम टेबल ऑफ सर एक बार टेबल दिखाओ ना। रुक जरूर आ रहा हूँ। बी और क्यू दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब कम है 90 से, तो दोनों इक्वल है ये प्रूफ करो। अब B और Q दो अलग अलग ट्रायंगल में आएंगे तो दो अलग ट्रायंगल दिखाए। वहां पर हमको ये दिखाना था कि एंगल B और एंगल Q सेम है, तो ना तो अपने पास 30 डिग्री 40 कुछ नहीं था, डिग्री अपने पास था ही नहीं, तो हमने पाइथागोरस लगाया, K से इक्वेट किए और दिखाए कि साइन थीटा K के टर्म्स में आ रहा है और साइन B K के टर्म्स में आ रहा है और साइन Q भी K के टर्म्स में आ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से क्योंकि B की वैल्यू भी K आ रही है और Q की वैल्यू भी K आ रही है तो ओवरऑल वैल्यू K आ जाएगी दोनों का, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब जो था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके लिए जो मैंने बताया था कि अपना लेफ्ट हैंड देखो सामने में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, ठीक ना, 0 डिग्री 30 45, 60, 90। हमारा फॉर्मूला क्या है? तो हमारा फॉर्मूला है रूट एन बाई टू, रूट एन मतलब नंबर ऑफ फिंगर। तो अगर हम 0 डिग्री पे हैं उस समय अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो हम लेफ्ट में देखेंगे कि लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका मैं थंब पकड़ा हूं 0 डिग्री पे हूं और लेफ्ट में देखूं तो एक भी नहीं है, 0 है, देख लो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक ना। तो इसके लेफ्ट में एक भी उंगली नहीं है तो 0/2, तो आंसर कितना आया, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री। तो आप देखो टेबल में साइन 0 0 हो गया। उसी समय अगर कॉस को देखें तो कॉस के लिए राइट, तो राइट में कितनी उंगलियां हैं, 4। तो हमारा जो फॉर्मूला है रूट एन बाई टू उसमें हम एन की जगह 4 रखेंगे, ठीक ना, तो रूट 4/2, तो रूट 4 तो 2 होता है, 2/2 1 हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर हम 30 डिग्री पे गए लेफ्ट में देखे एक उंगली तो रूट 1/2 मतलब 1/2 क्योंकि रूट 1 होता है, राइट में देखे तो 3 उंगली तो रूट 3/2, 45 पे गए दो उंगली रूट 2/2, 60 पे गए फिर से 3 उंगली लेफ्ट में एक उंगली राइट में, ऐसे करके पूरे टेबल में। ये चीज मैं पहले भी बताया था। अब क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, बी पे राइट एंगल है, ए बी 5 सेंटीमीटर का है, ए सी बी 30 डिग्री है, मतलब सी का वैल्यू 30 डिग्री है, तो बी सी और ए सी निकालो। तो इस पे क्या दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो दो चीजें दी गई है उनमें स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके तीसरी वैल्यू निकाल लो, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन लिखो, फिर एंगल देखो, एंगल सी 30 डिग्री पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तुरंत हम पाइथागोरस लगाएंगे, लेकिन फायदा क्या होगा पाइथागोरस लगाने का, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपने को एक और वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस के लिए कम से कम दो वैल्यूज चाहिए, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री जो दिया है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर के टर्म्स में हम सोचेंगे कि साइन कॉस टेन क्या होगा, तो पता चला कि साइन और टेन में परपेंडिकुलर आता है, इस पे लिखा है, यहां देखो क्या लिखा है, साइन क्यों लिया गया है, क्योंकि परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में और टेन में, इसलिए साइन को ले लिया, हम टेन भी ले सकते थे,
तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पी बाई एच 1/2 होगा। उसी बेसिस पे हमको हाइपोटेनियस मिल गया। तो जो हाइपोटेनियस मिला वो हमारा ए सी है और उसकी वैल्यू 10। तो उसी बेसिस पे अब हम पाइथागोरस लगाएंगे और हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जैसे ही हमको बेस की वैल्यू मिली, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस सब मिल गया, हम पूरा का पूरा सब वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब चीज निकाल देंगे। ये रूट 75 दिया है, इसको 5√3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 75 होता है 25 × 3 और 25 रूट के बाहर जाके 5 बन जाएगा। हो गया।